भोले बागेश्वर धाम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पावन श्री चरणों में हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे परमात्मीय श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, जिनकी मंगलमयी कथा हम लोगों ने 7 दिन बागेश्वर धाम पर श्रवण करी, आपके श्री चरणों में भी हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। समुपस्थित सभी संतजन एवं जो भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य का यह अवसर है, शिवरात्रि के पावन पर्व पर 156 कन्याओं का विवाह महोत्सव देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ महाराज श्री की आज्ञा हुई है तो 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। जब माता सीता और उनके साथ 3 और शक्तियाँ, चारों शक्तियों की जब विदाई हुई, तो विदाई के अवसर पर जब वे आईं तो वहाँ कौशल्या माने चारों बहुओं को देख करके उनका पूजन किया, और पूजन करने के साथ वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। यहाँ से 2 सूत्र मिलेंगे हमको, ये हमारी बेटियाँ विवाह करने के बाद जब अपने ससुराल में जाएंगी तो इनकी जो सासुएं हैं उनको इसका ध्यान रखना होगा, जो ध्यान माता कौशल्या ने अपनी बहुओं के लिए रखा था। और पहला ध्यान यही है कि पूजे बर दुल्हन, कि हमारी जो बहुएं हैं ये श्रेष्ठ हैं। केवल दूसरों की बहुओं की हम प्रशंसा करते हैं, अपनी बहू में 1,00,000 कमी ढूंढते हैं, लेकिन माँ कौशल्या ने अपनी बहू को श्रेष्ठ दुल्हन कहा। तो पूजे बर दुल्हन पहला, और दूसरा मंगल निधि, कि हमारे घर में जो बहू आई है वह मंगलों का भंडार है। हमारे यहाँ जब भी विवाह होता है, बहू आती है, भगवान न करे लेकिन कोई ऐसी घटना घटती है तो हम उसको बहू से जोड़ देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो बहू हमारे यहाँ आई है वो मंगल की निधि है। तो मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ कि जो हमारी इन बहनों की सासें हैं वो इसका ध्यान रखें। और इन बहनों के लिए भी मानस से एक सूत्र देना चाहता हूँ कि एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आप सादर अपने सास और ससुर की सेवा करना। सादर शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने इसलिए किया कि आप सेवा करना, तो ये सोच के मत करना कि नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, अथवा नहीं करेंगे तो पता नहीं इनकी जो संपत्ति है वह मिले कि ना मिले, ऐसा विचार ना हो, बल्कि उसे अपना परम धर्म मान करके आप अपनी सासुओं की सेवा करना, अपने पति की आज्ञा का अनुसरण करना। और फिर सबसे अंत में जो हमारे दुल्हा सरकार हैं, इनके लिए इस व्यासपीठ से सिर्फ ये कहूँगा कि आप जीवन पर्यंत सिर्फ एक व्रत करना, बाकी सारे व्रत हमारी बहनें कर लेंगी। बाकी सभी व्रतों के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक व्रत करना, वह व्रत जो भगवान श्री राम ने किया था, और वह व्रत है एक नारी व्रत। आप सदैव जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करना, और बस भगवान श्री राम की कृपा, बागेश्वर धाम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम।